वो जब तक के न्याय नहीं मिलेगा तब तक के हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि से 20,000 मेंटेनेंस लिया, पावती नहीं दिया है साहब मेरे को। जब मैं पावती की मांग कर रही हूँ तो बोले जिधर जाना है उधर जाओ। आज हम औरतों और बच्चों को पुलिस बुलाकर बाहर फेंका गया, हक तो पुलिस वाले कह रही है ज्यादा मत बोल नहीं तो तेरे को भी अंदर डाल दूंगा। पुलिस वाले भी हम मुझे ये लगता है कि लेके कुछ बैठे जब भी हम लोग को टॉर्चर। अडानी इलेक्ट्रिसिटी के लोगों पर एक बार फिर लगा गुंडागर्दी का आरोप। मैं निस खान नुक्कड़ लाइव से मैं आपका स्वागत है। हम खड़े हैं लल्लू भाई कंपाउंड के बिल्डिंग नंबर बी, बिल्डिंग नंबर 5B में। यहाँ पे एक अनोखे तरीके से कुछ प्रोटेस्ट किया जा रहा है अडानी के लोगों के खिलाफ। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं तरह तरह के बैनर लेके कुछ महिलाएं और कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे। और क्या मुद्दा है, किस तरह का इनका प्रोटेस्ट है, जानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा है आपका और क्यों आप लोग इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अडानी वाले आते हैं, हमारी लाइट काट के जाते हैं। हम लोग को यहाँ पर बच्चों को लाइट नहीं है, बिना लाइट के हम लोग यहाँ पे 4 दिन से है। कह रहे पूरा पैसा भरो तब आपको लाइट, अरे लाइट है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चलती हैं कि नहीं होता है, कभी कभार इंसान ऐसा होता है। हमारी सोसाइटी के मेम्बर भी मिले हुए, अडानी भी मिले हुए, हम लोग बिना लाइट से 4 दिन से यहाँ पर कम से कम 12-15 घर बैठे हुए। हम लोग ने रिक्वेस्ट भी की पर वो लोग हमारे मीटर नहीं देने के लिए तैयार है और हम लोग 4 दिन से यहाँ पे है। अभी इसका प्रोसेस हमारे को क्या है वो करो। और जो हमारे बिल्डिंग के सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो तो इतने कोई खास नहीं है और रजिस्टर नहीं है, ये लोग सभासद के हिसाब से प्रशासन बैठी हुई है। कौन लोग हैं मेंबर यहाँ पर जो बैठे हुए? वो अखलाक अंसारी है, फिलोमिना लिखे भाई है, धनौड़े हैं, उसका कोई लुकआउट नहीं है पर वो भी इसमें लुकआउट करता है, वो ऑनर नहीं है यहाँ का, और रफीक शेख है। तो वो ये तीनों चारों मिलके यहाँ पर हम लोग को बहुत टॉर्चर करते हैं कि ये सब तुम करो, उनका कोई हक नहीं बनता। हम लोग 4-5 दिन से बहुत टॉर्चर हो गए, काम देखे या इनका टॉर्चर से या बच्चों को देखे। यहाँ पे 4 दिन से देखो आप, छोटे छोटे बच्चे बिना लाइट के, आजू बाजू से हम लोग लाइट लेके बच्चों लोग को बिठा रहे। हमारी एडवोकेट मैम है, उनकी बेटी का पेपर है, वो भी काम धंधा छोड़ के बच्ची को टॉर्च लेके पढ़ा। हम लोग नीचे ऑफिस में आके बैठे तो हमारे को ऑफिस से भी निकाल के फेंक दिए। पुलिस में जाते हैं बस ये टाइम पे पुलिस वाली आती, पुलिस भी हमारे को निकाल के फेंक दी के बाहर, धक्का दे के बाहर निकाले। पुलिस वाले का कोई राइट नहीं है कि 6 बजे के बाद औरतों को टच करे या भेजे। पुलिस वाले भी हम मुझे ये लगता है कि लेके कुछ बैठे जब भी हम लोग को टॉर्चर करे। पुलिस उनका सुनती है, हमारा नहीं। हमको बोलती चलो निकलो नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। ये कौन सा प्रोसेस? कब हुआ है आपके साथ? ये हमारे साथ फ्राइडे भी हुआ और आज भी हुआ। फ्राइडे भी हम कंप्लेंट देने गए, मेरे साथ धमे थी, हमारी जो बिल्डिंग के लिखे है, हमारी बिल्डिंग की है सभासद है, वो मेरे साथ, वो आई थी प्रभाकर गनवे की वहीनी हमारे साथ आए थे, प्रतिभा वहीनी, उनको भी यही बोला चलो तुम लोग का रोज का नाटक है, उसको बोला क्या है बोलो। और 6 बजे से लेके वो 8-9 बजे तक बैठी थी। फिर मेरे हस्बैंड, मेरी फ्रेंड, हम ये सब बैठे थे क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ तो मैं जॉब पे गई, मेरे हस्बैंड को बुला लिया फोन करके कि आप आओ, अब मैं झेल नहीं सकती। मेरे हस्बैंड को भी बोलते यहाँ पे ज्यादा बोलने का नहीं, हम लोग को बोलते। पुलिस हमारी कोई बात पे तैयार नहीं है। तो प्रोटेस्ट में आप लोग कोई नारेबाजी या किसी का शोर शराबा कुछ कर रहे क्या? नहीं, हमने प्रोटेस्ट में कोई नारेबाजी नहीं किया, हमने सिर्फ इतना बोला वी वांट जस्टिस और हम लोग साइलेंस है, हमको ये मेंबर नहीं चाहिए जो 140 को लेके ही नहीं चलते, इनकी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व करते। वो बंदे यहाँ पर रह के कोई मतलब नहीं है सर, क्या हिसाब से ले वो, अभी हम लोग को नहीं देख रहे। अगर हमने उनको लाया भी तो क्या मैटर है कि वो करेंगे यहाँ पर आगे आके सब पूरा काम करेंगे ठीक से, वो कुछ काम नहीं कर सकते। 2 साल में उन्होंने हम लोग को बहुत रुलाया और इस 4 दिन में तो उन्होंने इस कदर रुलाया कि हमारे घर में खाना बनाने कैसे बनाएंगे कि लाइट ही नहीं है, मिक्सर नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, दाल कैसे चुनेंगे, चावल कैसे चुनेंगे। बाजू वाले से हेल्प ले रहे, कोई कितना दिन हेल्प करेगा भाई, 1 दिन 2 दिन, बाकी दिन तो नहीं करेगा। हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। कुछ और महिलाएं यहाँ पे बात करेंगे। कितने घर हैं आपके यहाँ टोटल जो इस तरह के लाइट का जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? करीबन 41 लोग हैं हम लोग, 41 घर है, उसके अंदर औरतें हैं, बच्चे। देखिए ये मेरी माँ है, ये 75 इयर्स की है, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर है इनको, पर फिर भी 4 दिन से बिगर लाइट में ये औरत है। मेरी बच्ची फर्स्ट ईयर लॉ में है पर आज एग्जाम के दिन परसों से सोसाइटी के अंदर पढ़ रही है, पर आज सोसाइटी वालों ने भी धक्का मार के बच्चियों को सबको निकाल दिया, बोले ये पढ़ने के लिए नहीं है। तो क्या हम लोग ये सहने के लिए है साहब? पूरा पैसा भरा है अडानी को मैंने, पूरा पैसा। जैसे सोसाइटी वालों पे भी आप आरोप लगा रहे कि उन लोग आपको यहाँ प्रोटेस्ट करने या बैठने नहीं दे रहे, तो क्या वजह है? क्योंकि आप तो अपने हक के लिए बात कर रहे हो, सोसाइटी का इनसे क्या लेना है सर? सोसाइटी ये चाह रही है
कि अपना बस अपना रुआब जमाने के लिए हमें टेंशन दे रही है सब, और कुछ नहीं है। सोसाइटी का क्या काम है, सोसाइटी का क्या टूटा है, क्या फूटा है, गंदगी है, मेंटेनेंस लेना, ये काम है सोसाइटी का। पर सोसाइटी में दो तीन लोग ऐसे हैं जो सभासद भी नहीं है, भाड़े पे रहते हैं सर, अपने रूम उन्होंने हैवी डिपॉजिट पे दे दिए हैं, अपने रूम जिंदगी भर के लिए हैवी डिपॉजिट पे दे दिए, पर सर इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। कुछ लोग कलेक्टर क्या एमएलए का कोई ड्राइवर है इधर, सर बोलता है दो दिन के लिए आती क्या एमएलए के पास तो तेरा मीटर फ्री में लगा दूंगा। सर अभी कितना हम लोग सहेंगे, एक औरत जात कितना, इतना गंदा। अडानी की तरफ से किस तरह की तकलीफ आपको मिल रही है? अडानी के तरफ कुछ नहीं कर रही है अडानी, मैं रोज जाके एप्लीकेशन, सर मेरे पास इतनी एप्लीकेशन है कि मैंने 15 साल पहले खरीदी, ये मेरा राइट है, मेरा जिंदगी का राइट है, राइट टू लाइफ है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। एक लाइट मैं मीटर भरने के लिए तैयार हूँ, मैंने सारा पैसा भर दिया है, मैं जब जो मीटर आएगा जितना मीटर आएगा मैं भरूंगी। इतना फाइन आपके पास किस तरह से चढ़ गया? सर लॉकडाउन हो गया था, मेरे अब्बा गुजर गए थे, हम लोग वहां अटक गए थे गाँव में, जब आके देखते हैं तो इतना फाइन सर, पूरा फाइन, जब मीटर यूज ही नहीं किया सर तो फाइन किस बात का, फिर भी हमने भरा, चलो जाने दो, ये माँ को, ये माँ का कोई नहीं है, मैं ही बेटी हूँ, फिर भी मैंने मेरे घर से निकाल के इनको पैसा दिया कि जाने दो मीटर तो लग जाएगा, ये औरत रहेगी शांति से आखिरी दिनों में, पर सर बहुत मीटर देने को ही तैयार नहीं है सर। कुछ यहाँ पे लोग हैं इनसे और बात करें, आप लोगों ने एक पुलिस कंप्लेंट किया, क्या हुआ आप लोगों को कुछ मालूम? हाँ किया कंप्लेंट, आए पुलिस आए, हमको बोले कि ना तुम लोग रुक नहीं सकते, जाओ ऐसे, हम लोग निकल गए। क्या कर रहे थे आप लोग, कुछ इलीगल काम हो रहा था या शोर शराबा या किसी तरह का? हम लोग बैठे थे ऑफिस में, तो उन लोगों ने बोला आप लोग नहीं बैठ सकते, उन लोगों ने आके ताला काटा, ताला काटने के बाद में उन्हें दूसरा ताला ला के बैठाया, फिर हम लोग वो पुलिस वाले ने हम लोग को निकाला, बोले नहीं बैठने। करीबन चार जन गाड़ी पे थे, एक डब्बा भी आया था। अच्छा, आप लोग कितने लोग थे? हम लोग इधर 8-10-12 जन थे। अच्छा। तो क्या कर रहे थे सोसाइटी ऑफिस में, क्यों आप लोग बैठे थे? ये लाइट के वजह से। अरे वो मीटर मांग रहे सोसाइटी वाला बोल रहा, तो मीटर लगा के दो तो नहीं बोल रहा सोसाइटी वाले, इसमें अड़चन बन रहे। हाँ अड़चन बन रहे। क्या उनका क्या फायदा इसमें? अभी वो कुछ पैसे मांग रहे टेबल का, नीचे से 40,000 बोल रहे, तुम 40,000 भरो हम तुमको देते पेपर, मीटर आ जाएगा। हम गरीब आदमी कहाँ से 40,000। सोसाइटी वाले आपसे पैसा मांग रहे? हाँ, क्योंकि हमने तो इसका अरानी का तो फाइन भर दिया हूँ, मेरी लड़की ने भर दी, अब वो हमसे और पैसा मांग रहे, तो हम उसको क्यों दूँ भाई? हमने तो अरानी का जो मीटर मांग रहा हो तो हम भर दिया, अरानी को बोलो ना तुम हमको मीटर देने, उनका काम यही है ना। अडानी वालों को सोसाइटी वाले कुछ भरका रहे? हाँ भरका रहे, रोज नहीं अंदर आ रहे, इधर अंदर घुस रहे, इधर ही वो बोलते इनको मीटर मत दो ऐसा, 40,000 रुपया सोसाइटी वाला मांग रहे हम लोग से, जो तुम्हारे को पेपर लिख के दे रहे 40,000 दो, अरानी तुमको मीटर लगा के देगा, हम कहाँ से देंगे 40,000? हमारा आदमी भी नहीं है, गरीब आदमी है, हम कैसे भी उधर रह रहे, मेरे को अस्थमा है, मेरे को भाप लेने पड़ता है, अब मीटर बत्ती नहीं तो हम भाप कैसा लेंगे? कितने दिन से आप ऐसे ही रह रहे? हम तो बहुत दिन से ही रह रहे ऐसे, मैं गांव चले गई थी, बच्चे मेरी माँ बीमार थी, वहाँ मर गए, लॉकडाउन लग गया, मैं आ नहीं सके, हम तो हमेशा मीटर भी भरते थे, लेकिन वो तो हमारा मीटर ही उठा के लेके चले गए, फिर हम गए उधर तो बोले तुमको फाइन लगेगा, अरे हम मीटर भरे ना तो काहे का फाइन, फिर भी फाइन मारा तो मेरे बच्चे बोले कि फाइन भर दो, क्या करोगे तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तो हमने फाइन मार दिया। वो जब तक के न्याय नहीं मिलेगा तब तक के हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो भी हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बैठे हैं वो लोग ना कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ में, ना हमारी हेल्प कर रहे हैं, और हम लोग जितने दिन यहाँ पे सोसाइटी में आके भगा देते, हमारी भी पढ़ाई चल रही है, और भी हमारे फ्लोर पर ऐसे मेम्बर्स है जो हमारे नेबर्स है, उनकी भी लाइक डॉटर्स की पढ़ाई वगैरह चल रही है लॉ की एंड ऑल, मेरे भी एग्ज़ाम्स है, तो वो लोग आके हमें निकाल दिए, जैसे यहाँ पे पढ़ना वगैरह नहीं है, और भी चीज़ें ऐसी है जिसमें ना सोसाइटी कोऑपरेट कर रही है, जा जाके बार बार
अडानी को हमारी कंप्लेंट करती है, पुलिस में भी जाके वो लोग या लाइट की भी कंप्लेंट करते हैं और भी ऐसे मारा पीटी के ऐसे फेक कमेंट्स देते हैं वो लोग कि इसने हमारे पे मारा पीटी किया, ये किया, जबकि ये चीज़ें होती नहीं है। और अगर प्रूफ के लिए बोलेंगे कैमरा चेक कराने तो पुलिस उनकी ही सुनती है, कैमरा भी नहीं चेक करती है और उन्हीं के साइड में बोलती है। और हमारे भी घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं, मेरे डैड भी ऑटो ड्राइवर है, वो बीपी के पेशेंट है, फिर मेरी मम्मा को भी हाइपर थायरॉयड है, बट ये लोग क्या करते हैं, हमारे सर के ऊपर भी टावर वगैरह लगा हुआ है और उसका इतना रेडिएशन आता है कि हमारे फैमिली में सबको कोई ना कोई बीमारी उसकी ही वजह से हो रही है। और मेंटेनेंस के लिए बोल रही है लोग, मेंटेनेंस हम भर रहे ऐसा नहीं, बट हमारे को जो तकलीफ है ऊपर जो हमारे लगा हुआ है टावर एंड ऑल, एटलीस्ट वो तो निकालो, हमें थोड़ी तो राहत मिले। और ऊपर से कॉपरेट करने की जगह ये लोग हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ना हमको जस्टिस दे रहे। डॉक्टर के हमारे इतने पैसे जाते हैं मेडिसिन में, मेरी मम्मा का इतना जाता है मंथली, मेरे डैडी का इतना जाता है, बट ये लोग कॉपरेट करने की जगह हमारे साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं, हमें जस्टिस चाहिए। आप प्रशासन से किस तरह की अपील करना चाहिए? मैं MMRDC से यह अपील करना चाहूँगी कि आप ऐसे सोसाइटी वाले को मत रखिए जो अंडर टेबल मुझसे 40,000 मांग रहे सिर्फ एक मीटर के लिए NOC देने के लिए। NOC सिर्फ मांग रही हूँ मैं, और मैं जब मेंटेनेंस भर रही हूँ तो मेंटेनेंस की पावती देनी चाहिए इन्होंने। मेरे से 20,000 मेंटेनेंस लिया, पावती नहीं दिया है साहब मेरे को। जब मैं पावती की मांग कर रही हूँ तो बोले जिधर जाना है उधर जाओ। आज हम MMRDC गए, अभी मुझे प्रशासन से यही मांगे, यही कहना चाहती हूँ कि हमें इतना टॉर्चर मत करें मेंटली और फिजिकली, ये सोसाइटी हमें नहीं चाहिए। अगर MMRDC अपने ऑफिसर भी बैठाती है तो भी हम रेडी है, हम लोगों को या फिर हमारे मेंबर्स भी जो भी है बैठाती हैं तो अच्छे मेंबर बैठाए, हमें टॉर्चर करने वाले प्लीज मेंबर ना बैठाए। हम लोग बहुत परेशान हो गए सर, ऐसी बारी आई है हमारे बच्चों की कि शायद ये साल हमारे बच्चे फेल हो जाएंगे बिगर लाइट के। और सोसाइटी, ये सोसाइटी ने आज हद कर दी जब औरतों और बच्चों को पुलिस बुलाकर बाहर फेंका गया, हाँ क्रिमिनल से भी खराब व्यवहार किया गया हमारे साथ। और जब हमने पुलिस से फ़ोन में बात किया कि सर तो हम लोग तो कोई नारे भी नहीं लगा रहे, सिर्फ फोटो ये लेकर जो हमारे बैनर ये लेकर बैठे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, तो पुलिस वाले कह रही है ज़्यादा मत बोल नहीं तो तेरे को भी अंदर डाल दूंगा। कौन से चौकी का मामला है ये? मानकुर पुलिस स्टेशन लल्लू भाई कंपाउंड में आता है।